हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज एक बार फिर हेल्थ रिलेटेड वीडियो। फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय स्वास्थ्य की जो युक्तियां हैं वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूं। यानी पहले के लोग जो अधिक हम कहते हैं अधिक स्वस्थ रहते थे, उसका क्या कारण है, कुछ चीज़ें हैं जो वो फॉलो करते हैं, अगर हम आज भी उन्हें करें तो हमारी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसमें फर्स्ट जो नंबर है वो है नंबर वन, अगर पहले लिया हुआ लंच नहीं पचता, डिनर लेना जहर खाने के बराबर होगा। भूख एक संकेत है कि पिछला भोजन पच चुका है, यानी डाइजेस्ट हो चुका है। नंबर टू, अच्छी नींद से आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। नंबर थ्री, सभी दालों में से हरे चने सबसे अच्छे होते हैं, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अन्य सभी दालों के एक या दूसरे दुष्प्रभाव होते हैं। नंबर फोर्थ, लहसुन टूटी हुई हड्डियों को भी जोड़ देता है। नंबर फाइव, किसी भी चीज़ का अत्यधिक सेवन सिर्फ इसलिए कि उसका स्वाद अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, संयमित रहें। नंबर सिक्स, ऐसी कोई भी सब्जी नहीं जिसका शरीर को कोई औषधीय लाभ न हो, इसीलिए कहते हैं हर सीजनल सब्जी को जरूर खाना चाहिए। नंबर सेवन, कोई डॉक्टर दीर्घायु देने की क्षमता नहीं रखता, यानी कोई हमारी उम्र नहीं बढ़ा सकता, वो तो जितनी सांसें लिखी हैं उतनी ही हम लेंगे। अपने आप को हम फिट रहने के लिए ये सब करते हैं, सही संयमित ढंग से रहना। नंबर एट, चिंता से तबीयत बिगड़ती है। नंबर नाइन, कोई भी एक्सरसाइज धीरे धीरे करें। नंबर टेन, अपने भोजन को बकरी की तरह चबाएं, यानी कभी भी जल्दबाजी में खाना न निगलें। लार सबसे पहले पाचन में सहायता करती है। नंबर इलेवन, नहाने से डिप्रेशन दूर होता है या बुरे सपनों को भगाता है। नंबर ट्वेल्व, खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी नहाना नहीं चाहिए, पाचन शक्ति प्रभावित होती है। यही कारण है हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, पहले नहाओ फिर खाओ, पूजा पाठ करो, नहाओ पहले नहाओ पूजा पाठ करो फिर खाओ। नंबर थर्टीन, बारिश के पानी की शुद्धता से मेल नहीं खाता कोई पानी। नंबर फोर्टीन, अपच होने पर सादा पानी औषधि का काम करता है, यानी इंडाइजेशन होने पे पानी भी बहुत ज़रूरी है, लाभदायक होता है पानी पीना, सिंपल सादा पानी पीना, साफ पानी पीना। नंबर 15, हमेशा ताजी चीज़ों को प्राथमिकता दे, जबकि चावल और नौकर पुराने होने पर अच्छे होते हैं। नंबर 16, ऐसा भोजन करें जिसमें सभी छह स्वाद हों, जैसे नमक, मीठा, कड़वा, खट्टा, कसेला और तीखा। नंबर 17, अपना आधा पेट ठोस पदार्थ से भरे, एक चौथाई पानी के साथ और बाकी इसे खाली छोड़ दे। यही कारण है बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमेशा भर पेट माने खाना न खाओ, थोड़ी सी जगह खाली रखो, इससे डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है, मोटापा भी नहीं आता। नंबर 18, खाना खाने के बाद कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, कम से कम आधा घंटा टहले। सबके लिए टहलना संभव न हो तो एटलीस्ट ऐसा न करें कि खाना खाए और सो गए, अपने आप को एक्टिव रखें, कोई ना कोई काम जरूर करें। नंबर 19, भूख खाने का स्वाद बढ़ा देती है, दूसरे शब्दों में भूख लगने पर ही भोजन करें। नंबर 20, चिंता करने से बढ़ता है बुढ़ापा, क्या इसका अर्थ ये नहीं कि बुढ़ापा बढ़ गया, कहने का अर्थ है चिंता अधिक करने से व्यक्ति को ऐसा लगता है यंग रहते ही वो बूढ़ा लगने लगता है, चिंता व्यक्ति की शरीर को कमज़ोर करता है, तो बुढ़ापा जल्दी आना ही है। नंबर 21, जब खाने का समय हो तो 100 काम भी अलग रख दे, समय पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 22, हमेशा बीच का रास्ता चुने, किसी भी चीज़ में अति करने से बचे। फ्रेंड्स, ये हमारे ऋषियों द्वारा ज्ञान के सुनारे शब्द हैं,
आपको आशा है इसमें से अधिकतर चीज़ें आप मानते होंगे, नहीं मानते हैं तो प्रयास करें हम सब अपने जीवन में लाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और प्रयास करें कि अधिक से अधिक हम इन चीज़ों को माने। ऐसा करने से कभी नुकसान तो होता ही नहीं है, होगा तो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा। ये बैलेंस डाइट या इस तरह टाइम से सब चीज़ों का हम जब करते हैं, समय पे एक्सरसाइज, समय पे खाना, समय पे सोना, एकदम संतुलित अगर हमारा जीवन हम जीते हैं तो व्यक्ति की उम्र भी बढ़ती है, स्वस्थ भी रहता है और बहुत से रोगों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आई होप यू लाइक माई थॉट। डू शेयर, डू सब्सक्राइब, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।